वेलकम बैक, दिस इज तूफान स्पोर्ट्स। मेरा नाम रविन और ये सेगमेंट है आईपीएल फटाफट। वेल, इसमें हम आपको पूरे 3 घंटे का मैच देते हैं 3 मिनट में। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस सेगमेंट को फटाफट नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना स्लो मैच था आज का। चेन्नई सुपर किंग्स ने खेला मैच नंबर 29 सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, और टॉस जीतने के बाद चेन्नई ने बोला सनराइजर्स को आप करिए बैटिंग। सनराइजर्स ने बैटिंग करी और बहुत ही स्लो बैटिंग थी, वहां पर विकेट्स उनके गिरते जा रहे थे। सिर्फ एक लौते बैट्समैन थे अभिषेक, जिन्होंने 34 रन बनाए उस 26 गेंदों में 34 रन बनाए। उनके अलावा और किसी बैट्समैन ने 30 का आंकड़ा भी नहीं छुआ। सेकेंड बेस्ट वॉज राहुल त्रिपाठी, 21 रन बना करके। पावर प्ले में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद ने अच्छी शुरुआत करी है, 45 रन बनाए थे एक विकेट खो करके। बट जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, विकेटें गिरती गई रेगुलर इंटरवल पे। 10 ओवर में अगर आप बात करेंगे तो 76 पर 2 थे, 15 ओवर में 102 पर 5 हो चुके थे, और 134 पर 7 रन बना करके सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी पारी का करा समाप्ति। और उसी के बाद फिर चेन्नई सुपर किंग्स आए बैटिंग करने, और उन्होंने ये मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड निकाल के दे दिया था। 77 रन्स बनाए कॉनवे ने सिर्फ 57 गेंदों में, नाबाद रहे वो आखिर तक। उनका साथ बहुत बढ़िया दिया गायकवाड ने, अनफॉर्चुनेटली वो रनआउट हो गए वहां पर, और उसके बाद तो फिर फॉर्मेलिटीज सिर्फ बचे हुए थे। पावर प्ले से ही डोमिनेट कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स, 60 रन बनाए बिना किसी विकेट को खोए हुए। 10 ओवर के खात्मे पे वो पहुंच चुके थे 86 पर, 15 ओवर में 111 पर 2 थे, और फाइनली उन्होंने 18.4 ओवर में मैच खत्म करा। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा, सर जडेजा केम बैक इन हिज फॉर्म, 3 विकेट निकाल के दिए उन्होंने सिर्फ 22 रन देकर के अपने पूरे स्पेल में। और मार्कंडे ने इंप्रेस करा सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे से, 2 विकेट लिए उन्होंने 23 रन देकर के। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही ज्यादा स्लो वन साइडेड मैच रहा था, बट आई होप ये आपका आईपीएल फटाफट इतना स्लो नहीं हुआ हो। दिस इज रविन तूफान स्पोर्ट्स पे। अगर आपको मजा आ रहा है तो कॉमेंट करके बता दीजिए। विल कीप मेकिंग दिस मोर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।